हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल थिंक चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जब पॉलिटेक्निक में फाइनल एडमिशन करवाने जब इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं पहले इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही पता चल जाए, क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको बनवा लें जल्दी, क्योंकि कोरोना वायरस का समय इस वक्त चल रहा है तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर वन, पेमेंट रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन पार्ट पेमेंट मेड बाय कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन तरह की फी रिसिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में। नंबर वन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो कि आपने जब अप्लाई की थी पॉलिटेक्निक तब दी थी। नंबर टू, आपको काउंसलिंग फी सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि 700 या 800 के बीच में होगी दोस्तों। आपको काउंसलिंग भरने के लिए फी सबमिट करनी पड़ेगी, उसकी रिसिप्ट लगेगी। नंबर तीन, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक साल की फी सबमिट करनी पड़ेगी, जिसकी रिसिप्ट आपको इंस्टीट्यूट में ले जाना पड़ेगा। तो ये तीन फी रिसिप्ट लगेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर टू, कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो दोस्तों, जब आप CTET की साइट पे अपनी ID लॉगिन करेंगे तो दोस्तों उसमें आपके सामने एक आइकन होगा जिस पे लिखा होगा कैंडिडेट प्रोफाइल। तो दोस्तों, जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक अपने बारे में दी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट, आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी होंगी। तो उस चीज़ को भी आपको एडमिशन के वक्त इंस्टीट्यूट ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, नंबर तीन, कॉपी ऑफ चॉइस सबमिटेड बाय कैंडिडेट। तो दोस्तों, इसका मतलब है चॉइस फिलिंग। इसमें आप इंस्टीट्यूट को चूज करेंगे जिसमें आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, जैसे पूसा हो गया, मेडिकल हो गया, GB पंत हो गया। इसमें जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, जो सी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो, तो उसको आप कैटेगरी वाइज रखोगे 1, 2, 3 करके। तो दोस्तों, नंबर चार, कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो दोस्तों, जब आपको किसी इंस्टीट्यूट में कोई सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको ये आपकी साइट पे ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपकी रैंक, आपको कौन सी ब्रांच मिली है, ये सब चीज़ के अंदर लिखा होता है। एग्जांपल के लिए ये है आपके सामने दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों, नंबर पाँच, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे प्रूफ के तौर पे लगाएंगे। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप अपनी 10th की मार्कशीट को यहाँ पे प्रूफ के तौर पे लगाएंगे। दोस्तों, नंबर 6, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इशूड बाय द बोर्ड। तो दोस्तों, आपने जिस भी बोर्ड से 10th या 12th, जिस मार्कशीट से भी आपने पॉलिटेक्निक अप्लाई की है, वो मार्कशीट आपकी इंस्टीट्यूट में लगेगी। तो दोस्तों, ये है आपका छठा प्रूफ। दोस्तों, नंबर 7, SC ST OBC सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन बात है OBC वालों के लिए, उनके लिए एक और सर्टिफिकेट बनेगा जिसका नाम है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों, OBC वालों को एक और रिन्यूअल सर्टिफिकेट OBC कैटेगरी का बनवाना पड़ता है, जिसका नाम है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये ध्यान देने वाली बात है, SC ST का वही सिर्फ नॉर्मल सर्टिफिकेट चल जाता है, पर OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले ही जाकर इसे बनवाएं, क्योंकि इसको बनने में भी 15 दिन लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 8, कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपने जहाँ से पास आउट होकर आए हैं वहाँ से आपको आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपके यहाँ के प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट देंगे। दोस्तों, अगर आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट ना मिला हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ के विधायक के यहाँ पे जाएं और वहाँ पे वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में मोहर और साइन मार के देगा, जो कि इंस्टीट्यूट में चलेगा। तो दोस्तों, नंबर 9, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, ये एक तरह का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आपने किसी स्कूल से पढ़ के किसी और इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये लगता है दोस्तों आपका, जिससे कि प्रूफ हो जाता है कि ये बच्चा उस स्कूल से पढ़ के आया है। तो दोस्तों, ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों ये एक ऐप DigiLocker से आप डाउनलोड करेंगे, DigiLocker दोस्तों, वहाँ पे आपका ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि स्कूल नहीं देती इसको, इस सर्टिफिकेट को। तो दोस्तों, आपको ये DigiLocker से डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 10, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस
टू बी साइंड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट में अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी हाइट, वेट और आपको कोई पुरानी चोट और आपकी आंखें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी, जो कि एक MBBS डॉक्टर द्वारा की जाएंगी। दोस्तों आपको MBBS डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना के देगा, जिसके अंदर आपकी ये सारी बातें लिखी होंगी, जिसपे कि वो अपनी मोहर और साइन मार के देगा, जिसके लिए वो आपसे 100 या 200 रुपए। तो दोस्तों नंबर 11, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग। तो दोस्तों ये एक एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आप इंस्टीट्यूट में किसी प्रकार की रैगिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के रूप में ये सर्टिफिकेट ये है, दोस्तों देख लीजिए। तो दोस्तों नंबर 12, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर नॉन माइग्रेशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का ऐसा अंडरटेकिंग होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आपके सामने है, ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, देख लेना। तो दोस्तों नंबर 13, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डिसिप्लिन का अंडरटेकिंग देना होता है, जिसमें आप लिखते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों नंबर 14, टू लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ। दोस्तों जिनका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर इंटू में 5.5 सेंटीमीटर में रहेगा, दोस्तों आपको इसी मेजरमेंट की फोटोग्राफ निकलवानी है,